कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने ग्राम गुड़ी में 22,25,000 की लागत के विभिन्न निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। आयोजित जन समस्या निवारण शिविर व किसान सम्मेलन में हुए शामिल कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल व जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल ने शनिवार दोपहर 2 बजे ग्राम पंचायत गुड़ी में 6 लाख की लागत से निर्मित होने वाले रपटा 11,25,000 के लागत से आंगनवाड़ी भवन, 2,50,000 से गाताबारा में चौपाल, 2,50,000 की दो नवीन होज, 2,50,000 के नवीन तालाब के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया, जिससे अब क्षेत्रवासियों को नवीन निर्माण कार्य का लाभ मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश की सरकार द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं संचालित की जा रही है। पात्र लोग संचालित योजना का भरपूर लाभ उठाए, साथ ही किसी भी तरह की समस्या आने पर तत्काल अवगत कराए ताकि समस्या का समाधान कर सके, जिससे आसानी से योजना का लाभ भी मिल सके। मंत्री पटेल ने उपस्थित जनों को हाल में ही लागू हुए पैसा एक्ट की प्रावधानों की भी जानकारी दी। इसके बाद अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने संबोधन भी दिया। खंड स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में 42 आवेदकों ने अलग अलग योजना की मांग के लिए आवेदन दिए, जिसमें खासकर कपिल धारा कूप निर्माण, नवीन ट्रांसफार्मर लगाने, नलकूप के लिए अनुदान राशि, हेडपंप समेत अन्य आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में से कुछ आवेदनों का तत्काल निराकरण किया, वहीं बाकी आवेदनों की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हितग्राही मूलक योजना के वितरण में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक हितग्राही को प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके अलावा पीएम आवास के लिए प्रत्येकात्मक रूप से 10 लोगों को प्रमाण पत्र दिए। मंत्री पटेल ने किसान सम्मेलन के दौरान उपस्थित गांव पटेल व पुजारा को साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री पटेल ने स्वयं अपने हाथों से पटेल पुजारा को साफा पहनाया। इस कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल, जिला पंचायत सदस्य वर्मा सोलंकी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि व भाजपा जिला महामंत्री विक्रम चौहान, जनपद पंचायत सीओ मनोज कुमार निगम, जनपद पंचायत अध्यक्ष थान सिंह सस्ते, उपाध्यक्ष रंजित वास्कले, सरपंच टीकाराम जमरे समेत जनपद पंचायत के सदस्यगण, सरपंच, सचिव, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी तथा ग्रामीण जन मौजूद थे। पार्टी क्षेत्र को लोग कहते थे कि पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र बचने नहीं देंगे तो कहाँ से पिछड़ा क्षेत्र कहेंगे। इसलिए हम सब लोगों की मेहनत है, हमारे जितने जनपद प्रतिनिधि है सबका सहयोग है कि जिस प्रकार से कोई घटना घटती है उसको बचाने का भी हमारा फर्ज बनता है। तो आज गोई पार्टी जो नदी का पुल है जर्जर हालत में आ गया था। अगर कोई रोज भी अगर नहीं बनता, क्योंकि हजारों के तादाद में हमारे मतलब जैसे बोकराटा रोड बन रहा है, बोकराटा से खेतिया महाराष्ट्र जुड़ जाएगा, कई गाड़ियाँ चलेगी, इसलिए उस पुलिया को बनाना ही ज़रूरी था। तो उस पुल का भी आज हम लोगों ने भूमि पूजन किया और बोकरा जो टेढ़े टेढ़े रोड है बड़वानी से 52 गजा तक, उसको भी सीधा करने के लिए उसका भी लाखों रुपए का टेंडर होके वो भी काम चालू होने वाला है। गुड़ी में भी 5-6 काम अभी सेंक्शन हुए हैं, वो भी क्योंकि जनता जिस प्रकार से मांग करती रहेगी उस प्रकार से काम होते रहेंगे। हमारा सरपंच साहब सक्रिय है और मांग करने के बाद साथ साथ काम भी अच्छा होना चाहिए। देखो पार्टी के लिए जिस प्रकार से मांगे आती रहेगी, अभी एक तहसील की मांग थी, तहसील का बिल्डिंग भी 8 करोड़ रुपए का बनने वाला है। इसी प्रकार से जो भी समस्या होगी हमको दिखेगा, वैसा हमारे जनप्रतिनिधि बताएंगे, वैसे वैसे काम होता रहेगा। आप सब लोगों का सहयोग होगा तो हम लोग एक पार्टी को जो जिस प्रकार से बात करते हैं कि पिछड़ा क्षेत्र है, पर आज मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी एक दमदार क्षेत्र बनने जा रहा है।